तो दोस्तों काफी दिनों से 100 यूजर्स के बड़े कमेंट आ रहे हैं कि 100 यूजर पर वीडियो बनाइए, 1 हैंड वीडियो पर बनाइए, 1 हैंड क्यूब सॉल्विंग की वीडियो बनाइए। तो आज हम आपके लोगों के लेकर आए हैं जीजी मेथड। अब जीजी मेथड क्या है वो जानने के पहले आपको हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जीजी मेथड को। तो जीजी मेथड सीखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको सीफॉप मेथड आनी चाहिए, ठीक है। सीफॉप मेथड आपको आना जरूरी है, कंपलसरी तो नहीं है, आप वैसे भी सीख जाएंगे, मगर सीफॉप मेथड जिसको आता है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से जीजी मेथड स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, कपिल बट हियर। टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ टू सॉल्व क्यूब बाय जीजी मेथड। और आज हम बात करने वाले हैं ईओ लाइन के ऊपर। तो फटाफट से मैं आप लोगों को जीजी मेथड का कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। तो जीजी मेथड में सीफॉप मेथड की तरह ही गुड एज और बैड एज का कंसेप्ट आता है, ठीक है। यहां पर हमें जो याद रखने रहते हैं वो होते की स्टिकर। की स्टिकर क्या है? टॉप फेस, फ्रंट फेस, बॉटम फेस एंड बैक फेस। टॉप, फ्रंट, डाउन एंड बैक फेस पर जब स्टिकर देखना है, ये येल्लो वाले, ये दो ग्रीन, ये वाले ग्रीन नहीं देखना है आपको, ये वाले दो ग्रीन देखना है, ठीक है। येल्लो के चारों, ये सामने के दो ग्रीन, यहाँ पर व्हाइट के चारों, और बैक साइड पे ये वाले जो जो हमारे ई लेयर में जो है वो वाले जो हैं वो हमारे की स्टिकर हैं, ठीक है। तो गुड एज और बैड एज क्या होती है तो वो बताता हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं चारों के चारों येल्लो करेक्ट पोजीशन पर, मतलब कि ये है गुड एज, ठीक है। सिमिलरली अगर ये येल्लो या ये इन चारों में से कोई भी येल्लो कलर इन दो जगहों पर होगा, मतलब हमारा फ्रंट फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लेयर को ऐसे टर्न कर देता हूँ तो येल्लो अब कहाँ पर है? मेरा फ्रंट एंड राइट पर, मतलब ये अभी भी गुड है। इस तरह बॉटम में अगर मैं कर देता हूँ येल्लो को तो अभी भी गुड है, कहीं पर भी कर दूं बॉटम में तो गुड है, ठीक है। और इसी तरह बैक के इन दो पोजीशन पर बोले तो बैक बैक राइट एंड बैक लेफ्ट, ठीक है। यहां पर अगर मैं येल्लो ले जाता हूं तो अभी भी ये गुड है, और इस तरफ अगर रहता है तो ये अभी भी गुड है। समझ आ रहा है आपको? तो सिमिलरली जिस तरह हमने येल्लो को देखा कि येल्लो कहाँ कहाँ हर जगह गुड हो सकता है, यहां पर भी येल्लो गुड हो सकता है। अगर मैं इसे यहां रखू तो ये येल्लो क्या है? गुड एज है, ठीक है। और मतलब येलो स्टिकर्स अगर आपके यहाँ पर हो, टॉप पर हो, बॉटम में हो और बैक साइड पर, तो गुड है। सिमिलरली अगर व्हाइट स्टिकर्स चारों ऊपर, व्हाइट स्टिकर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फ्रंट पर टॉप पर कहीं पर भी व्हाइट स्टिकर है वो गुड है। फ्रंट पर सिर्फ ये दो पोजीशन हमें देखनी होती है, ठीक है। फ्रंट राइट, फ्रंट फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट करेक्ट है, सिमिलरली यहाँ पर भी व्हाइट करेक्ट है। ऐसे बैक पर चलते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे व्हाइट देखना बैक साइड पर, और यहाँ पर हमें व्हाइट देखना यहाँ। अब ये तो बात समझ आ गई हमें कि ग्रीन की स्टिकर अगर ग्रीन टॉप पर, फ्रंट पर, बैक पर और बॉटम में हो, सॉरी येल्लो हमारा टॉप पर, फ्रंट पर, बैक पर और बॉटम में हो तो वो हमारा गुड एज हो जाएगा। सिमिलर व्हाइट भी ऐसा ही होगा। अब जिनमें व्हाइट कलर और येल्लो कलर नहीं है वो बोले तो ग्रीन एंड ब्लू, ये भी हमारे की स्टिकर की तरह ही काम करते हैं। ये वाले दो ग्रीन इनको नहीं देखना, सिमिलरली पीछे बैक पर इन दोनों को नहीं देखना, सिर्फ जो ई लेयर में है इन दो को देखना है। तो ये भी हमारे गुड गुड एज की तरह वर्क करेंगे। कैसे? ये जो है ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, सिमिलरली ग्रीन एंड रेड एंड ग्रीन एंड ऑरेंज, ये भी हमारे गुड एज की तरह वर्क करेंगे। कब और कैसे वो देख लीजिए। जब ग्रीन एंड ऑरेंज टॉप में हो, यहाँ पर कहीं पर भी ये ग्रीन चला जाए तो ये गुड एज की तरह वर्क करेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए ग्रीन इस तरह चला जाता है तो सॉरी यहाँ पर तो अभी ऑरेंज आ गया, अभी ग्रीन लेकर आता हूँ, ठीक है। ये वाला ग्रीन, हाँ यहाँ पर है ये जो ग्रीन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन भी है टॉप में और यहाँ पर है येल्लो। ये जो ग्रीन है ये हमारा रोंग एज, इसको हमें कंसिडर ही नहीं करना, ये होता है बैड एज। दरअसल यहाँ पर हमें जो गुड एज करना होता है वो है येल्लो, वो है अपना येल्लो को। तो पहली प्रायोरिटी येल्लो को मिलती है, सेकेंडरी व्हाइट को मिलती है, फिर ग्रीन को, और फाइनली मिलती है ब्लू को, ठीक है। तो ये होगी गुड एंड बैड एज की बात। अब फटाफट से मैं आप लोग को बता दूं कि जितनी भी बैड एज है 12 बैड एज हो सकती है, 12 केसेस बन सकते हैं, और सभी के सभी चार चार के पेयर में सॉल्व होता है। हमेशा बैड एजेस इवन नंबर में आती हैं, फिर से हमेशा बैड एजेस इवन नंबर में आती हैं। तो चलिए मैं एक बार स्क्रैम्बल करता हूँ, और एक और बात बता दूं लास्ट ये कि बैड एजेस को हम फिक्स करते हैं फ्रंट से और बैक से। फ्रंट लेयर को एक बार घुमाओगे तो बैड एज फिक्स हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये गुड है, ये गुड है, ये सब गुड है। अगर फ्रंट को एक बार घुमा दूं तो सबके सब बैड हो जाती है ना, ठीक है। इस तरह अगर मान लीजिए मेरे पास पहले से बैड हो, जैसे कि अभी ये सबके सब बैड है, ये वाली बैड है, ये बैड है, ये बैड है, सबके सब बैड है। अगर मैं एक बार इसे टर्न कर दूं, पीछे की तरफ कर दूं या आगे की तरफ कर दूं, तब ये गुड हो जाएगी, बैड नहीं रहेगी। मतलब हमें फ्रंट या बैक साइड से ही बैड से गुड करते हैं। चलिए अब एक स्क्रैम्बल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए ये चीजें। फटाफट से स्क्रैम्बल लेते हैं।
पूरा कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हमेशा इवन नंबर में ही बैड एजेस होती हैं, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर में ही हमारी बैड एजेस होती हैं, और हमें चार चार करके सभी को ठीक करना होता है, मतलब सभी को बैड एजेस को गुड करना होता है। अब फटाफट से पोजिशन देख लीजिए, व्हाइट हमारा बॉटम में, ग्रीन हमारा फ्रंट पे, येलो टॉप पर, और ब्लू होगा हमारा बैक साइड पर। अब कैसे हम याद रखते हैं गुड एच कौन सी, बैड एच कौन सी, और कैसे काउंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज और बताना आपको भूल गया हूँ, वो आप सुन लीजिए। ऑरेंज एंड रेड, बोले तो जो राइट फेस पर हमारा कलर है और जो लेफ्ट फेस पर कलर है, अगर वो टॉप पर आ जाए, फ्रंट पर आ जाए, बैक पर आ जाए, वो बॉटम में आ जाए या बैक पे आ जाए, तब वो गलत ही होगा। क्या कह रहा हूं मैं, हमारा रेड एंड ऑरेंज टॉप बॉटम बैक फ्रंट चारों में कहीं पर भी आ जाए, वो गलत ही होगा, उसको आप रॉन्ग ही समझेंगे, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं बैड एज कौन सी है, गुड एज कौन सी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी एज है, तो आप ऑब्वियसली यही कहेंगे गुड एज है। अब टॉप पे यहाँ रेड दिख रहा है, मतलब ये बैड हो गई। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मगर ये ग्रीन रेड या ऑरेंज वाला ग्रीन है क्या? नहीं, ये व्हाइट वाला ग्रीन है, मतलब ये भी बैड हो जाएगी। ये बैड है, ये बैड है, और यहाँ पर ऑरेंज है, मतलब ये तो कंपलसरी बैड है ही। जहाँ रेड एंड रेड एंड ऑरेंज दिख रहा है, वो तो बैड है। मतलब पहले टॉप फेस काउंट कर लिया हमने, यहाँ पे सिर्फ एक गुड एज है येल्लो, और बाकी तीन है बैड एज। अब सीधे बॉटम फेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक येल्लो दिख रहा है, मतलब ये गुड एज है, ठीक है। अब ये वाला ग्रीन देखिए, ये वाला ग्रीन हमारा रेड एंड ब्लू वाला है क्या? हाँ, ऑब्वियसली ये रेड एंड ब्लू वाला है, तो ये वाली क्या होगी? गुड एज होगी। ये भी गुड है, ये भी गुड है। ये वाला रेड एंड ब्लू वाला है क्या? हाँ, ये भी है, मतलब ये भी क्या होगी? गुड हो गई। सिमिलरली ये तो ऑरेंज होगा, डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये क्या है, बैड एज है। मतलब टॉप पर तीन बैड, डाउन पर एक बैड, ये सभी के, ये तीनों के तीनों गुड है। ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कलर की बात आ जाती है, तो यहाँ पर येल्लो है, मतलब ये गुड है। ये हमारा ब्लू है, तो ये ब्लू गुड है या बैड कैसे पता चलेगा? साइड वाला कलर देखो, रेड या ऑरेंज है? नहीं है, मतलब ये व्हाइट है, इसका मतलब ये बैड होगी, ठीक है। अब सीधे बैक साइड पे चले जाएंगे, बैक पे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर रेड है, मतलब ये तो ऑब्वियसली ये तो बैड ही है हमारी, मतलब ये रॉन्ग एज होगी, और ये होगी हमारी करेक्ट एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेड है, ये वाली ब्लू है, और यहाँ पर हमारा रेड है। तो फटाफट से काउंट करते हैं कितनी हमारी बैड है और कितनी की गुड है। तो ये वाली बैड है, ये वाली बैड है, ये वाली बैड है, मतलब तीन बैड हो गई। बॉटम में एक बैड है, चार हो गई। यहाँ पर एक बैड है, पांच हो गई। और पीछे की तरफ एक बैड एज है, ये वाली छह हो गई। मैंने कहा था कि इवन नंबर में ही बैड एजेस आएंगी। और हमेशा याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम राइट, लेफ्ट, अपर और डाउन, इन चार ही लेयर को यूज करते हैं, फ्रंट को और बैक को यूज नहीं करते। कर सकते हैं F2 और B2 करके कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी यूज ना करें। तो चलिए फटाफट से अब मैं अपनी बैड एजेस को करेक्ट करता हूँ, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। देखिए ये बैड है, ठीक है। अब हमें ये फ्रंट फेस पर, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले पर, सभी पर हमें बैड एज लानी है, और उसे हम एक F या F' मूव लेके गुड करेंगे, ठीक है। जितने भी बैड एजेस है सामने की ओर लाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये बैड है ही, ये हमारी क्या है, ये हमारी गुड है। तो ये वाला जो बैड एज है, मैं लेफ्ट को टर्न कर रहा हूँ, नीचे की तरफ एक बैड आ गई सामने, दूसरी आ गई, ये ऑलरेडी एक बैड थी। और आप जानते हैं कि बॉटम में जो बैक साइड पर था, जो मैंने अपना काउंट किया था, वो वाला भी बैड है, तो इसे टर्न कर दिया मैंने, और ये भी बैड हो गया, ठीक है। मतलब हाँ, ये बैड, ये बैड, ये बैड, ये बैड, चारों बैड होगी। अब अगर मैं F मूव लूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला गुड हो गया, फ्रंट पर वाइट आया, ये भी गुड हो गया, ये वाला ऑरेंज, ये वाला सॉरी, ये वाला जो ब्लू है वो गुड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज आ गया, और ये वाला जो हमारा व्हाइट है वो भी गुड हो गया, यहाँ पर टॉप पर, और ऐसा फ्रंट पे देखना होता है, ठीक है। सबके सब गुड हो गए, चार गुड कर लिए हमने। अब दो बैड बची हैं, उन्हें फाइंड करो, सामने लाओ, और दो के लिए हमेशा क्या केस होता है वो भी देख लीजिए। दो वाला थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम बैड एज को गुड करते हैं। अभी देखते हैं, देखिए जो एक हमारा पीछे की तरफ बैड रह गया था, ये वाला, इसे मैं फ्रंट पर ले आता हूँ R2 मूव लेकर, ठीक है, ये आ गया। और एक हमारा बैड जो रह गया था वो कहाँ गया? देखिए देखिए, ये वाला जो, ये जो रेड है, ये सामने में ले आया U2 करके, ये दोनों बैड है हमें दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनिएगा अच्छे से, अब मैं क्या करूंगा, किसी एक बैड एज को करेक्ट करूंगा, ठीक है, जिससे क्या होंगे कि हमारे जो तीन गुड एजेस होंगी वो बिगड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग बताता हूँ कुछ इस तरह का, देखिए ये वाली बैड एज है, ये वाली गुड है, ये वाली गुड है, और ये वाली भी गुड है। तो मैं इसे F' मूव लेता हूँ, तो ये बैड एज गुड हो गई। देखिए गुड और बैड एज के केस में ही हम फ्रंट और बैक को यूज करते हैं, बाकी कहीं यूज नहीं करते। मतलब गुड बैड एजेस को गुड करने के लिए हम फ्रंट और बैक लेयर का यूज करते हैं, वो भी सिर्फ सिंगल टर्न लेकर। अब वो F ले लीजिए, F' ले लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेकर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बैड एज को टर्न किया, ये गुड में कन्वर्ट होगी,
और ये वाली बैड एज में कन्वर्ट हो गई, ये वाली के बैड एज में कन्वर्ट हो गई, और ये भी बैड एज में कन्वर्ट हो गई। अभी ये तीन बैड एज है, और साथ में ये एक चौथा वाला बैड एज था, इसे सामने लेकर आए टर्न करके। अब ये बैड एज है, ये बैड एज है, ये बैड एज है, और ये वाली बैड एज है। आप देख रहे हैं टॉप पर येलो है, नहीं है, बॉटम में व्हाइट है, नहीं है, फ्रंट पर दिख रहा है, तो ये तो बैड होंगी ऑब्वियसली। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं है, ना व्हाइट है ना येलो, तो ये तो सब बैड है। सिंगल टर्न आप जहाँ चाहे वैसा मूव ले लीजिए, फ्रंट ले लीजिए, अब ये गुड हो गया, चाहे बैक ले लीजिए, अब ये गुड हो गया। और पूरा के पूरा आप देखेंगे अब आप कि जितना भी है हमारे, जितने जितने 12 एजेस हैं, वो सबके सब हो गई है गुड। अब आप देखेंगे टॉप पर सभी के सभी व्हाइट एंड येलो, कुछ भी हो जाएगा मतलब ये सब गुड एज है। बॉटम में भी आप देखेंगे तो ये सब गुड एज है, फ्रंट पर ये दोनों गुड एज है, और बैक पर ये दोनों ऑलरेडी गुड एज है, सबके सब गुड में कन्वर्ट हो गई। अब फाइनली हमें बनानी होती ईओ लाइन। ईओ लाइन किससे बनाते हैं बताता हूँ, हाफ प्लस बनाने को ईओ लाइन कहते हैं। अब हाफ प्लस किससे बनाते हैं, ब्लू एंड व्हाइट एंड ग्रीन एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट एंड ग्रीन एंड व्हाइट को, ग्रीन एंड व्हाइट से हम हाफ प्लस बनाते हैं। इस तरह की ये जो लाइन है, यहाँ से इस वाले सेंटर से होते हुए बैक सेंटर पर जाती है, फ्रंट सेंटर से होते हुए बैक सेंटर पर जाती है, तो ये बन जाता है ईओ लाइन। अब इसके बाद हमें यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक, चाहे F12 लगा लो या फिर बिल्डिंग ब्लॉक लो तो रू मेथड लगा लो, उससे आप यहाँ पेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो वाली भी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो अभी मैं एक बार और एक्सक्रैम्बल लेता हूँ, फटाफट से आपको लास्ट बार बताता हूँ गुड और बैड का कंसेप्ट क्या है। चलिए तो फटाक से अपने व्हाइट को अपना नीचे रख लेते हैं, फ्रंट पे रखेंगे ग्रीन, टॉप पर ब्लू और टॉप पर येलो, बैक पे ब्लू। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा बैड है। ये करेक्ट हो गया, ये वाला बैड है क्योंकि रेड ऊपर है, ये वाला बैड है क्योंकि यहाँ पर रेड एंड ऑरेंज नहीं है, ये वाला करेक्ट है, मतलब दो करेक्ट है और दो इनकरेक्ट। बॉटम में चलते हैं, ये वाला करेक्ट है, ये वाला बैड है, करेक्ट करेक्ट, मतलब ये तीनों करेक्ट है, ये वाला बैड है, दोनों गुड है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ये वाला बैड है। तो ये दो बैड, सॉरी ये दो बैड है, एक पीछे बेड है और बॉटम में एक बेड है, मतलब चार बेड हैं हमारे पास। तो ये बेड यहाँ ले आया मैं, इस वाले बेड को लेफ्ट वाली टर्न कर यहाँ ले आया मैं, ये वाला बेड जो है सामने ले आया R2 मूव लेकर, ठीक है, और जो बैक साइड पर बेड उसको टर्न कराऊंगा U2 मूव लिया, और सामने चारों के चारों मेरा बेड एजेस आ गए, मेरे पास चार बेड एज वाली केस बना है। तो बस सिंपल इसको मैंने F प्राइम दिया और सबके सब गुड में कन्वर्ट हो गए। अब फाइनली क्या बनानी होती है, हमेशा की तरह ईओ लाइन जो कि मुझे डायरेक्ट मिल गई है। बस इस तरह के हमारा ईओ लाइन कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बनाते हैं, आप चाहे तो F12 से बना सकते हैं या फिर रूम मेथड से बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आई है, क्योंकि इजी मेथड है तो आसान तो होगा नहीं, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दबा दीजिए बेल आइकन को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।